रूपा तिर्की के पिता देवानंद उराव रूपा तिर्की के मौत के गुनाहगार हैं। जी हाँ, आपको सुनकर अचरज होगा, लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं, ये साहिबगंज पुलिस कह रही है। साहिबगंज पुलिस ने रूपा तिर्की के पिता देवानंद उराव को अप्राथमिक अभियुक्त बनाया है। इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच में देवानंद को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में दोषी पाया है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने मामले की न्यायिक जांच संबंधी आदेश 15 जून को जारी किया। इस आदेश में जानकारी दी गई कि मामले में पुलिस ने दरोगा शिव कुमार कनौजिया और देवानंद उराव को दोषी पाया है। पुलिस ने शिव कुमार कनौजिया के खिलाफ चार्जशीट भी दायर कर दी है। पर्यवेक्षण में रूपा के पिता के खिलाफ मामला सत्य पाए जाने की बात का जिक्र किया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने रूपा मामले की जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता के अधीन न्यायिक आयोग का गठन किया है। इसके लिए जारी आदेश में जिक्र है कि रूपा की मौत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर पंकज मिश्रा, एएसआई मनीषा कुमारी, ज्योत्सना कुमारी की भूमिका नहीं पाई गई है। घटना के पीछे रूपा का निजी मामला है, इसकी पुष्टि साक्ष्यों के आधार पर होने का जिक्र भी किया गया है। बताया जाता है कि प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने शिव कुमार कनौजिया को जेल भेजा है। फिलहाल अब इस मामले में जब नया मोड़ आया है तो अब देखना है कि इस पूरे घटनाक्रम पर रूपा के पिता का क्या कहना होगा।